तो कल मेरे फेवरेट यूट्यूबर ब्यूक ने एक वीडियो डाली एक ऐसे एनिमे के ऊपर जो कि जापान में बैन है, जिसका नाम है मिदोरी। और उस वीडियो में ब्यूक ने कुछ ये बोला, डू नॉट गो आउट एंड सर्च दिस एनिमे, मत देखना ये मूवी बहुत हॉरिफाइंग और बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स दिखाती है, जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करे, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। तो क्या उसकी ये सारी बातें सही है? क्योंकि ब्यूक की उस वीडियो को मैं बीच में ही छोड़कर उस मूवी को देखने चला गया था, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवी के बारे में ब्यूक से काफी अलग है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिदोरी है क्या। तो ये मूवी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है मिदोरी। तो मिदोरी का बाप उसे बहुत पहले ही छोड़कर चला जा, और आगे चलकर मिदोरी की माँ की भी डेथ हो जा, और फिर हम देखते हैं कि कैसे मिदोरी की लाइफ एक नर्क में तब्दील हो गई। आप सुनकर तो लग रहा होगा भाई ये तो घनी खतरनाक स्टोरी है कि लड़की के साथ कितना बुरा बुरा हो सकता है। तो मतलब लड़की के साथ बुरा होता है, पर जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वे बहुत हाई चली गई थी, क्योंकि वो जो व्यूक ने वीडियो बनाई है वो कुछ इसी तरीके से बनाई है जिससे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई चली जा। क्योंकि व्यूक ने उस वीडियो में बताया था कि बहुत से लोग इस मूवी को देखकर बीमार भी पड़ गए, इसमें ऐसे ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, कई कंट्रीज में यो बैंड भी है। तो भाई यो सब सुनकर तो एक्सपेक्टेशन हाई हो ही जाएंगी। पर इस मूवी का जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन है ना, अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसकी माँ की मौत हो जा, तो वही जो सीन है ना इसकी माँ की मौत का, वही इस पूरी मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन है। जैसा कि तुम इस ब्लड पिक्चर में देख भी सको कि उसे निचले पार्ट से चूहे खाना शुरू कर दें भाई, यो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। पर इसके अलावा कोई और सीन इतना ज्यादा कुछ खास ना था, थोड़ा वो डॉग वाला सीन था, पर वो भी इतना कुछ ना था मेरे लिए, क्योंकि यार मैंने इससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक चीजें देखी हुई हैं, जैसे कि दी बॉयज, बजर्क। भाई असल में तो बुद्धि ये दोनों खराब करें, जिस वजह से मुझे लगता है कि भाई यो मूवी जो है यो काफी ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है। क्योंकि भाई देखो मैं तो साफ बता रहा, इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग मुझे बजर्क लगी थी। अब देखो मैं करने वाला हूँ मिदोरी और बजर्क को कंपेयर। अब तुम में से कई लोग कहेंगे अरे भाई तू बजर्क से काहे को कंपेयर कर रहा, अरे मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा उसमें तुम्हें डिस्टर्बिंग क्या हो। पर उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और जब नीचे लाइक करने जा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो मिदोरी के ऊपर तो हमने अब तक बात कर ली कि उसमें कैसे कैसे सीन है, पर अब चलो थोड़ा बजर्क के बारे में बात करें। तो भाई बजर्क में एक मोमेंट आवे एक्लिप्स, जिसमें हुआ तो कई सारी चीजें, पर मैं बस तुम्हें एक छोटी सी चीज के बारे में बताऊंगा। तो भाई वो एक लड़की रहे और इसे पकड़ना है कुछ मॉन्स्टर्स, और जो मॉन्स्टर इस लड़की को पकड़ा है एक बार तुम उसे भी देख लो। तो भाई ये मॉन्स्टर उस लड़की के कपड़े फाड़ दें, और अगर तुमने थोड़ा मॉन्स्टर को ध्यान से देखा हो तो तुम उसकी सिर की शेप को देख कर बता सको कि आगे क्या होने वाला। भाई वो मॉन्स्टर इतना करीब आ जा, इतना लगभग 1.5 सेंटीमीटर की दूरी, उस सीन के टाइम पर मेरी फटकी की साला हो क्या रहा है, खुद सोच कर देखो यार तुम। भाई बजर्क से ज्यादा डिस्टर्बिंग मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो अगर अब मैं थोड़ा मिदोरी की तरफ से भी बोलूँ तो एक लौती चीज जो इसे डिस्टर्बिंग बनाती है वो ये है कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस है। हाँ भाई ये सब एक असलियत में किसी लड़की के साथ होया था, और ये पता चलने के बाद कि ये रियल लाइफ पर बेस है भाई थोड़ा डर लगे है, क्योंकि जब इंसान सोचा ना कि असलियत में ये सब हमारी दुनिया में हो रहा तो भाई हर किसी को डर लगेगा। पर मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ इन दोनों के ऊपर, क्योंकि जब मैंने ये मूवी कंप्लीट कर ली थी उसके बाद मैं गया इस मूवी के कमेंट सेक्शन में, और वहाँ भाई सारे के सारे कमेंट नहीं आ रहे भाई मैं ब्यूक की वीडियो देख पाया, भाई ब्यूक ने यूँ कर दिया, भाई ब्यूक ने इतना ओवर एग्जैजरेट कर दिया, भाई मूवी में मजा नहीं आया। तो भाई मैं अकेला ना हूँ जिसकी उस वीडियो को देखने के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत हाई चली गई थी, बहुत से लोग हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन हाई गई थी ब्यूक की वीडियो देखने के बाद, पर वो मूवी उस टाइप की थी नहीं। पर एंड ऑफ द डे भाई मैं भी ये ब्यूक का एक फैन ही हूँ, मजा आना चाहिए बस वीडियो देखने में, अब कुछ ही बनाओ। और कमेंट सेक्शन में तुम्हें मुझे बताना कि तुम्हें मिदोरी मूवी कैसी लगी, और हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए ओके बाय।